एक किसान गाय को चराते हुए खुद दरख्त की टहनी पे बैठ जाता है और एंजॉय कर रहा होता है। अचानक दरख्त की टहनी टूटती है और किसान नीचे गिर जाता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप इस तरह की वीडियोस बना सकते हैं और इसका मैं तरीकाकार आपको बताऊंगा कि आपने किस तरह से वीडियो बनानी है। चलिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर, मैं आपको बताता हूँ कि आपने किस तरह से इस वीडियो को बनाना है। सबसे पहले आपने यहाँ पे क्रोमा टून ऐप जो है वो आपने ओपन कर लेनी है। उसको ओपन करने के बाद आपने लेट्स स्टार्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपने ओके कर लेना है। और यहाँ पे आपने जो है करेक्टर लेना है, एक करेक्टर ले लेना है, बाकियों को आपने ख़त्म कर देना। तो एक करेक्टर मैं ले लेता हूँ यहाँ से, एक करेक्टर यहाँ पे जी मैं ये ले लेता हूँ, कोई लिल बॉय या कोई भी आप ले लें, मैं एक किसान ले लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपने बाकियों को नन कर देना और इनको ख़त्म कर देना है, बाकी जितने करेक्टर्स हैं इनको ख़त्म कर देना है। उसके बाद आपने फिर जाना है, इनका जो बैकग्राउंड है वह बैकग्राउंड आपने यहाँ पे जाके आपने बैकग्राउंड को ग्रीन कर लेना है, ओके कर देना है। उसके बाद आपने जो है इसको करेक्टर देना है, तो जिस तरह बैठने का करेक्टर, आपने बैठने का करेक्टर दे देना है। आपने यहाँ पे ये सिटिंग वाला जो है, ये सिटिंग वाला आपने, ये सिटिंग आइडल, ठीक है, इस तरह से आप इसको ये दे देना है। उसके बाद आपने रिकॉर्डिंग पे क्लिक करना है, जैसे आप रिकॉर्डिंग पे क्लिक करते हैं उसके बाद आपने कैंसिल कर देना और इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लेनी है। अब ये यहाँ पर बैठ गया है, ठीक है। अब इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे ना, आप रिकॉर्डिंग कर लें 8, 7, 10 सेटिंग सेकेंड की, और इस पर क्लिक करेंगे तो ये गिर जाएगा नीचे, ठीक है। इस तरह से आप इस पर क्लिक करें, गिर गया है, इसकी आपने रिकॉर्डिंग कर लेनी है और उसके बाद इसको ख़त्म कर देना है। इसको ख़त्म करने के बाद आपने अगला स्टेप करना है, आपने जाना है, उसके बाद आपने आ जाना है यहाँ पे इमेज सर्च मैन एक एप्लीकेशन, उसको ओपन कर लेना है और यहाँ पे आपने सर्च करना है ट्रांसपेरेंट ट्रीज़ या ट्रीज़ आप सर्च कर सकते हैं। तो इस तरह आपके पास बहुत सारे ट्रीज़ आ जाते हैं, उनमें से कोई एक आपने ले लेना है ट्री, और यहाँ पे मैं ये इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। डाउनलोड करने के बाद आपने जो है यहाँ पे एक और एप्लीकेशन में जाना है, जो इसकी मतलब बैकग्राउंड इरेजर है, इसको कहते हैं बैकग्राउंड इरेजर, में आपने आना है और इसको यहाँ पे ले लेना है। अब इसका एक्स्ट्रा जो बाकी जो पार्ट है, इसमें से एक हमने टहनी को छोड़ना है, बाकी आपने डिलीट कर देनी है, इस तरह से इरेज कर देनी है, साफ़ कर देनी है, इस तरह से देखिए इसको आपने डिलीट कर देना है। इस तरह से इसको डिलीट करने के बाद आपने फिर इसको दोबारा से वही एक जो है ट्री लेना है, और उसके बाद आपने ये टहनी डिलीट कर देनी है, बाकी जो ट्री है उसको छोड़ देना है। आपने इसको सेव कर लेना, उसके बाद आपने काइन मास्टर में आना है, काइन मास्टर एप्लीकेशन आपने ओपन करनी है और यहाँ पर आपने न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है। 16:9:9 का जो है रेशियो सिलेक्ट करना है और यहाँ पर आपने एक बैकग्राउंड ले लेना है, वाइट बैकग्राउंड ले लें। उसके बाद आप इस पर वाइट कोई भी ले सकते हैं। उसके बाद आपने लेयर पे जाना है और मीडिया पे लेयर पे जाके आपने यहाँ पे आपने वही एक जो दरख्त था, जो ट्री था, जो कि टहनी के बगैर था, वो आपने ले लेना है। उसके बाद आपने फिर दोबारा अपने लेयर पे जाना है, इसको आप एडजस्ट कर लें इस तरह से, थोड़ा बड़ा कर लें, और उसके बाद आपने फिर लेयर पे जाना है और मीडिया पे जाना है, और यहाँ से आपने वो टहनी ले लेनी है जो टहनी थी, ठीक है, ये टहनी आपने ले लेनी है। इसको आपने यहाँ पे इस पर एडजस्ट कर लेना है, इसका साइज़ ताकि छोटा बड़ा नज़र ना आए, तो जो साइज़ था वो आपने यहाँ पे लगा लेना है। मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे ये देखिए अब ये इसके दरमियान में आ रहा है, थोड़ा सा इसको पीछे करेंगे, तो मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ, उसके बाद उसको मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैंने एडजस्ट कर लिया, इसको आपने पूरी स्क्रीन पे लगा लेना है, और उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने फिर मीडिया पर जाना है, लेयर पर जाना है, और यहाँ से आपने वो जो आपने ग्रीन स्क्रीन में रिकॉर्ड किया था उसको ये आपने ले लेना है, ठीक है। अब इसको क्रोमा की करना है और आपने इसकी जो ग्रीन जो बैकग्राउंड है वो आपने रिमूव कर देना है। रिमूव करते ही आप इस तरह से रिमूव कर लेंगे, इसको आप थोड़ा सा बड़ा कर लें, इसको पहले एडजस्ट कर लें, आपने एनेबल तो कर लिया लेकिन इसको एडजस्ट करना है क्योंकि ये सही से नज़र नहीं आ रहा, तो इसको एडजस्ट कर लें आप, और इस तरह से, ठीक है, ये आप एडजस्ट हो चुका है। उसके बाद आपने इस जो करेक्टर है, इस बंदे को आपने बैठाना है टहनी पे, तो उसके लिए आपको यहाँ पे इसको लगाना होगा, और इसको आपने इस तरह से लगाना है कि ये बिल्कुल बड़ा भी नज़र ना आए, बिल्कुल छोटा भी नज़र ना आए, यानी फेक ना लगे, आपको इस तरह से आपने इसको लगाना है। मैं इसको यहाँ पे एडजस्ट कर लेता हूँ, और साइज़ के मुताबिक जो इसका साइज़ है, इस साइज़ के मुताबिक मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपने इसको स्प्लिट कर लेना यहाँ से, जहाँ तक जो मतलब आ रहा था उस वहाँ तक, ठीक है। बाकी को आपने लीड यहाँ पे देखिए इस तरह से इसको आपने सेट कर लेना है, और अगला जो पार्ट है वो आपने डिलीट कर देना है। अब यहाँ से जहाँ से वो गिर रहा है वहाँ तक आपने स्प्लिट करना है, और उस जो कि ऊपर वाला जो टहनी है उसको भी वहाँ पे आपने स्प्लिट कर लेना है, क्योंकि हमने इसको यहाँ पे एक की के मदद से आपने इसको गिराना है। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे की भी आपने क्लिक करना है, इसको आपने ऐसे ऐसा ऐसा नीचे ले आना है, देखिए इस तरह से नीचे ले आना, जैसे आप किसी चीज़ को गिराते हैं, ये देखिए गिरता हुआ नज़र आएगा, यहाँ पे आपने इसको रख लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने फिर ये बंदे की जो बंदे का जो करेक्टर है इस पर आपने क्लिक करना है, और क्रोमा की वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है, और इसको ऐसे ऐसा ऐसा नीचे गिराना है, ठीक है, इस तरह से, ये देखिए इस तरह से आपने इसको गिरा देना है। अब यहाँ भी ये नीचे गिर चुका है, अब इसको प्ले करके आप देखें, ये देखिए इस तरह से, ठीक है, अब ये नीचे गिर चुका है। यहाँ पर हमारा काम हो चुका है, आपने इसके बैकग्राउंड को आप वाइट भी कर सकते हैं, मैं इसको जो है ब्लू कर लेता हूँ इसके बैकग्राउंड को, ठीक है,
ब्लू करने के बाद इसका बैकग्राउंड हमने रिमूव करना है दूसरी जगह जहाँ पे किए, तो इसका मैंने जो है ये ब्लू कर लिया है, इसको सेव कर लेना है आपने। और उसके बाद आपने फिर काइंड मास्टर में आना और यहाँ पे आपने फिर से वो एक बैकग्राउंड ले लेना है अपना मर्ज़ी का जो कि आपने लगाना है। मैं यहाँ पे एक बैकग्राउंड लगा लेता हूँ जो कि मुझे चाहिए ये वाला। उसके बाद आपने मीडिया पे जाना, लेयर पे जाना और यहाँ से आपने ये देखिए यहाँ से आपने वही वीडियो ले लेनी है, ठीक है। इसको आपने क्रोमा की करना है और इसका बैकग्राउंड भी रिमूव कर देना है। अब इसको आपने एडजस्ट करना है यहाँ पे, ये देखिए इस तरह से आपने इसको एडजस्ट कर लेना है। मैं आपको दिखा रहा हूँ एडजस्ट करके, इस तरह से आपने इसको स्क्रीन पे एडजस्ट कर लेना। ये देखिए प्ले करके देखते हैं और इस तरह से ये देखिए अब ये गिरता हुआ नज़र आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये लग चुका है इसका बैकग्राउंड। और उसके बाद अब आपने इसकी वॉइस जो है वो रिमूव कर देनी है, कम कर देनी है। इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं मज़ीद भी, और उसको एडजस्ट करने के इस तरह से आप उसको इस तरह से नज़र आएगा। अब ये एक हमारा स्टेप हो चुका है, इस पर आप मज़ीद काम करना है हमने, वो अब मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद आपने ये काम करने के बाद इसका बैकग्राउंड जो है, जो पीछे वाला बैकग्राउंड था उसको आपने जो है स्पिल्ट कर लेना है, ट्रिम कर लेना है इस तरह से। ये देखिए जहाँ तक ये आ रहा है यहाँ तक, ठीक है। अब इस तरह से, ठीक है, ये देखिए इसको आपने यहाँ पे ट्रिम कर देना है। ट्रिम करने के बाद आपने फिर जाना है मीडिया पे, लेयर पे, और यहाँ से आपने एक ग्रास ले लेनी जो आपको जो है एप्लीकेशन पे मिल जाता है, आपको गूगल पे भी मिल जाता है ट्रांसपेरेंट, या आपने यहाँ पे लगा लेना, इमेज सर्च मैन पे आपको मिल जाता है। इसको आप यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे। इसको एडजस्ट करने के साथ इसको आपने पूरी स्क्रीन पे लगा लेना है, पूरी वीडियो पे। और उसके बाद फिर आपने जो है मीडिया लेयर पे जाना है और यहाँ से एक आपने दरख्त ले लेना है कोई भी। मैं यहाँ पे ये दरख्त ले लेता हूँ खूबसूरती के लिए। उसके बाद आपने इसको सेंड टू बैक कर लेना है, यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करना है, आपने इसको सेंड टू बैक कर लेना है। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे इस जो है इस दरख्त पे क्लिक करना है, आपने थ्री डॉट पे क्लिक करना है और इसके बाद सेंड टू बैक कर लेना है, ये इसके पीछे आ जाएगा। उसके बाद आप इसको भी पूरी स्क्रीन पे सेट कर देना है और उसके बाद इसको आपने सेव कर लेना है। प्ले करके देखते हैं एक बार, ये देखिए इस तरह से प्ले होगा और ये देखिए, ये देखिए, ठीक है, एक सीन हमारा बन चुका है। उसके बाद आपने एक और इस पर चीज़ अप्लाई करनी है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। आप इसको सेव कर लेना है, सेव एज वीडियो कर लेना है। उसके बाद आपने फिर काइंड मास्टर में आना, उसकी वीडियो को ले लेना है और उसके बाद आपने इसको थ्री पीसेस में कट कर लेना है। मैं आपको दिखा देता हूँ थ्री पीसेस में कैसे कट करते हैं। आपने थोड़ा सा इसको आगे ले जाना है इस तरह से, थोड़ा सा आगे यहाँ पे ले जाएंगे और उसके बाद स्पिल्ट पे जाके आपने इसको स्पिल्ट कर लेना है, ट्रीमेंट स्पिल्ट पे, और थोड़ा सा आगे लेके फिर उसको स्पिल्ट कर लेना। तीन इसके जो है वो बन चुके हैं। अब आपने यहाँ पे पहले क्लिप पे क्लिक करना है और पैन एंड जूम पे जाना है और इसको ऐसे थोड़ा सा जूम कर लेना है, ठीक है। अब दूसरे आपने क्लिप पे जाना और इसको भी आपने इस तरह से यहाँ पे पैन एंड जूम पे जाना है, इसको आपने लास्ट में ले जाना और इसको जूम कर लेना है इस तरह से, ठीक है। अब तीसरे पे जाना है और आपने इस तरह से फिर आप पैन एंड जूम पे जाएंगे और इसको थोड़ा सा जूम कर लेंगे। अब मैं आपको इसको प्ले करके दिखा रहा हूँ किस तरह से आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये देखिए इस तरह से, ओके, ये देखिए। अब इस पर आपने वॉइस लगानी है तो आप रिकॉर्डिंग पे जाएंगे और इसमें वॉइस लगा लेंगे जो आपने इस पर रिकॉर्ड करना है। तो जनाब हमारी वीडियो बन चुकी है, इस तरह से आप बना सकते हैं और यूट्यूब पर अपलोड कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ले दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।